प्रिय छात्र छात्रीगण आज आम तुम ओडिया व्याकरण बहीर एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग विषय अध्ययन करिबा। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जवलपुर ठारे सरकारी स्नातक कला शिक्षक भाव में कार्यरत अछि। आज आम तुम ओडिया व्याकरण बहीर जो प्रसंग उपरे सविशेष ज्ञान अर्जन करिबा से प्रसंगटी होउछि कृदंत। ए प्रसंग उपरे सविशेष ज्ञान अर्जन करिबा पई चालो आमे स्मार्ट बोर्ड आळकु अग्रसर हेबा। पिला माने आमे माने जानिछु जे भाषा द्वारा आमे निजर मनर भाव को अन्य निकटरे प्रकाश करिथाउ। भाषा हेउछि भाव विनिमयर एक मुख्य माध्यम। प्रत्येक भाषा रे अनेक गुड़े शब्द रही थाए। प्रत्येक भाषा रे अनेक गुड़े शब्द रही थाए। आम ओडिया भाषा रे अनेक गुड़े शब्द रही, इंग्राजी भाषा रे अनेक गुड़े शब्द रही, एपरी प्रत्येक भाषा रे आमे अनेक गुड़े शब्द व्यवहार करी था। तेबे ए शब्द गुड़िक भाषा को गतिशील करिबारे तथा आमर भाव प्रकाश करिबारे भाषा को साहाय्य करी थांती। तेबे आमे माने प्रथमे जानिबा ए शब्द टी किपरि गठन कराए थे। शब्द किपरि गठन करा जाय थाए जेते बेले आमे धातु सहित प्रत्यय को जोग करी थाउ सेते बेले एक नूतन शब्द गठित होय थाए। धातु सहित जेते बेले आमे प्रत्यय को युक्त करी थाउ जोग करी थाउ सेते बेले गोटे शब्द टिए गठन होय थाए। तेबे धातु सहित प्रत्यय युक्त होय कि जे शब्द टी गठन करा जाय थाए ताहा को कहा जाय कृदंत शब्द। धातु सहित प्रत्यय युक्त हो जो शब्द टी गठन कराई थाए से शब्द को कृदंत शब्द बोली कहा जाए थाए। आज आम से कृदंत प्रसंग उपरे विशेष भाव अध्ययन करिबा। सर नेक्स्ट स्लाइड ता आजर आलोचनार मुख्य विषय वस्तु होउछि कृदंत। आजर आलोचनार मुख्य विषय वस्तु होउछि कृदंत। संस्कृत धातु सहित प्रत्यय युक्त हो अनेक गुड़े शब्द सृष्टि होइथाय। जेतेबेले आमे संस्कृत धातु सहित प्रत्यय को जोग करिथाउ सेतेबेले आमे अनेक गुड़े नूतन शब्द गठन करि परिबा एवं ए शब्द गुड़ी को तत्सम शब्द कहा जाए। एठारे तुम्हें लक्ष्य कर दुरुस धातु सहित जेतेबेले अन प्रत्यय युक्त होइथाय तेबे जो शब्द टी गठन होइछि सेई शब्द टी होइछि दर्शन। दर्शन शब्द टी किपरि गठित होइछि दर्शन शब्द टी गठन करिबा पई संस्कृत धातु दृश सहित अन प्रत्यय युक्त होइछि दृश जोग अन दर्शन। ठीक से ही परि पड धातु सहित जेतेबेले अप्रत्यय एठी युक्त होइछि तेबे जे शब्द टी गठित होइछि से शब्द टी होइछि पाठ। पट जोग अ पाठ। ठीक से ही परि बुत जोग ति बुद्धि। एठारे दृश पट एवं बुत गोटे गोटे संस्कृत धातु अटंती। ए संस्कृत धातु सहित एठारे अन प्रत्यय युक्त होइछि अप्रत्यय युक्त होइछि ति प्रत्यय युक्त होइछि। एठारे संस्कृत धातु एवं प्रत्यय युक्त होइकी गोटे गोटे नूतन शब्द सृष्टि होइछि एवं ए शब्द गुड़ी को कहा जाए तत्सम शब्द। यह तत्सम शब्द एथिपाई कहा जाए थाए जे संस्कृत रे व्यवहृत ए शब्द गुड़ी को अबिकल ओडिया भाषा रे आमे व्यवहार करूछु तेणु ए शब्द गुड़ी को तत्सम शब्द बोली कहा जाए थाए। तेबे एठारे द्वितीय उदाहरण को तुम्हें लक्ष्य कर। द्वितीय रे तुम्हें देखि परिबो ओडिया धातु सहित प्रत्यय युक्त होइकि केते गुडे नूतन शब्द गठन करा जायछि एवं ए शब्द गुडी को आमे तद्भव शब्द एवं देशज शब्द भाव रे विभक्त करि परिबा। जेतेबेले संस्कृत धातु सहित प्रत्यय युक्त होइकि शब्द गठन करा जायछि ताकू कहा जायछि तत्सम शब्द। आउ जेतेबेले ओडिया धातु सहित प्रत्यय युक्त होइकि शब्द गठन करा जायछि ताकू कहा जायछि तद्भव शब्द किंबा देशज शब्द। एठारे तुम्हें लक्ष्य कर कांद होउछि गोटिए ओडिया धातु। ए कांद धातु सहित ओणा प्रत्यय युक्त होइछि एवं सृष्टि होइछि कांदोणा। कान जोग ओणा
କାନ୍ଦଣା ଏଠାରେ କାନ୍ଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁ ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ଧାତୁ ହେଉଛି କ୍ରନ୍ ଧାତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମର ରହିଛି କ୍ରନ୍ ଧାତୁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ଏଠାରେ କ୍ରନ୍ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁ କାନ୍ ସହିତ ଅଣା ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାନ୍ଦଣା ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଡ଼ ଧାତୁ ସହିତ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପଢୁଆ ପଡ଼ ଯୋଗ ଉଆ ପଢୁଆ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖସ୍ ଯୋଗ ଅଡ଼ା ଖସଡ଼ା ଏଠାରେ କାନ୍ଦ ଏବଂ ପଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁ ଅଣା ଉଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କାନ୍ଦଣା ଏବଂ ପଢୁଆ ଏ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଖସଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ତେବେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଧାତୁ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ କରାଗଲା ତାକୁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ସହିତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୁହାଯାଏ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଏହି କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା କୃଦନ୍ତ ପଦ ତ ଏଠାରେ ଧାତୁ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ବା ପଦଟି ଗଠନ କଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୃଦନ୍ତ କୃଦନ୍ତର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଣ ହେବ କୃତ୍ ଯୋଗ ଅନ୍ତ କୃତ୍ ଯୋଗ ଅନ୍ତ ହେଉଛି ଆମର କୃଦନ୍ତ ଯାହାର ଶେଷରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ କୃତ୍ ଯୋଗ ଅନ୍ତ କୃଦନ୍ତ ଯାହାର ଶେଷରେ ବା ଅନ୍ତରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କୃତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନପ୍ରତ୍ୟୟ ଅକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୀୟ ଇତ୍ର ତ୍ର ତୃ ତି ଇନ୍ ତ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇଷ୍ଣୁ ଉକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉର୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଣ ଅଣା ଅଣି ଆଣି ଅନ୍ତା ଏଣି ଉଆଳ ଇବା ଉଣି ଉଆ ରା ଅତି ଉଣା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ସହିତ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଆଗରୁ କହିଛି ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପଟ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ପଟ ଧାତୁ ସହିତ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପାଠ ପାଠ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ପଟ ଯୋଗ ଅ ପାଠ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ୍ୟଜ ଯୋଗ ଅ ତ୍ୟାଗ ପଦ ଯୋଗ ଅ ପାକ ଜି ଯୋଗ ଅ ଜୟ ଭି ଧାତୁ ସହିତ ଅଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମର ଭୟ ଏପରି ସର୍ପ ଶବ୍ଦଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୁବ ଧାତୁ ସହିତ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଶ୍ରୁବ ଯୋଗ ଅ ସର୍ପ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହସ ଯୋଗ ଅ ହସ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମଧୁପ ଶବ୍ଦକୁ ମଧୁପ ଶବ୍ଦଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି କିପରି ମଧୁ ଯୋଗ ପା ଯୋଗ ଅ ମଧୁପ ମଧୁ ପା ଯୋଗ ଅ ମଧୁପ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମ ଶ୍ରୁ ଅ ସଂସାର କୁମ୍ଭ କୃ ଅ କୁମ୍ଭକାର ଜଳ ଦା ଅ ଜଳଦ
एठारे लक्ष्य कर दीप धातु सहित अप्रत्यय युक्त होकर सृष्टि होइछि देव दीप जोग अ देव ठीक से हीपरि जप जोग अ जप एठारे आमे जानिबा अनप्रत्यय विषय रे एठारे संस्कृत धातु सहित अनप्रत्यय युक्त होइकि केउ सबु नूतन शब्द गुडीको गठन करा जायछि से गुडीको विषय रे वर्तमान आमे अध्ययन करिबा एठारे भोजन शब्द रहिछि भोजन शब्द टि किपरि गठन करा जायछि भूज संस्कृत धातु सहित अनप्रत्यय जेतेबेले युक्त होइछि सेतेबेले भोजन शब्द टि गठन करा जायछि भूज जोग अन भोजन ठीक सेहि परि रुत जोग अन रोदन पट जोग अन पठन पत जोग अन पतन जीवन शब्द टि किपरि गठन करा जायछि जीव जोग अन जीवन ठीक से परि भास जोग अन भाषण एठारे देख श्रवण श्रवण शब्द टि किपरि गठन करा जायछि श्रवण शब्द रे अन प्रत्यय युक्त करा जायछि एहार धातु कोण एहार श्रवण शब्द रा धातु होछि श्रु श्रु जोग अन श्रवण श्रु धातु सहित जेबे अन प्रत्यय युक्त हेब सेतेबेले जे नूतन शब्द टि गठन करा जीव से शब्द टि होछि श्रवण श्रु जोग अन श्रवण ठीक से हिपरि मृ जोग अन मरण एठारे लक्ष्य कल स्मरण शब्द को स्मरण शब्द टि किपरि गठन करा जीव एठारे स्मरण शब्द गठन करिबा पई हमरो स्मृ स्मृ गोटे संस्कृत धातु स्नु सहित जेतेबेले अन प्रत्यय युक्त होइछि सेतेबेले सृष्टि होइछि स्मरण श्रु जोग अन हेजिव स्मरण सेहिपरि क्रु जोग अन करण भूष जोग अन भूषण ग्रह जोग अन ग्रहण वर्तमान जानिबा संस्कृत धातु सहित अक प्रत्यय युक्त होइकि केउ सबु नूतन शब्द गठन करा जायछि खात गोटे संस्कृत धातु एथिरे अक प्रत्यय युक्त होइकि सृष्टि होइछि खादक खाद जोग अक खादक ठीक सेही परि नृत जोग अक नर्तक पट जोग अक पाठक एठारे लक्ष्य कर शिक्षक शब्द टि किपरि सृष्टि होइछि शिक्षक शब्द टि गठन करबा पई शिक धातु सहित अक प्रत्यय युक्त होइछि शिख जोग अक शिक्षक सेपरि जन जोग अक जनक गायक शब्द को लक्ष्य कर गायक शब्द टि किपरि गठन करा जायछि गोई धातु सहित अक प्रत्यय युक्त होइछि गोई गोटे संस्कृत धातु अक गोटे प्रत्यय गोई जोग अक गायक ठीक सेहिपरि पद जोग अक पाचक सास जोग अक शासक स्थावक शब्द को लक्ष्य कर स्तु जोग अक स्थावक क्रु जोग अक कारक एठारे विभिन्न संस्कृत धातु सहित अक प्रत्यय युक्त होइकि विभिन्न शब्द गठन कराई जेपरि खादक नर्तक पाठक शासक स्थावक कारक वर्तमान धातु सहित उक प्रत्यय युक्त होइकि केउ सबु शब्द गठन करा जायछि सेगुडीक विषय रे आमे अध्ययन करिबा एठारे लक्ष्य कर निन धातु सहित उक प्रत्यय युक्त होइकि सृष्टि होइछि निंदुक निन जोग उक निंदुक ठीक सेहि परि भू जोग उक भावुक भिक जोग उक भिक्षुक भिक्षुक शब्द को लक्ष्य कर एठारे भिक धातु सहित उक प्रत्यय युक्त होइछि भिक जोग उक भिक्षुक वर्तमान आमे जीवा ई प्रत्यय आड़कु एठारे लक्ष्य कर जलधि जलधि गोटे शब्द ए शब्द टि किपरि गठन करा जायछि जल धातु सहित धा एवं ई प्रत्यय युक्त होइछि जल धा ई जलधि ठीक सेहि परि बि धा जोग ई विधि नि धा जोग ई निधि एठारे जलधि विधि एवं निधि शब्द टि गठन करा जायछि धातु सहित ई प्रत्यय युक्त करा जायछि वर्तमान जानिबा आमे इष्णु प्रत्यय विषय रे वर्तमान धातु सहित इष्णु प्रत्यय युक्त होइकि केउ सबु नूतन शब्द गठन करा जाय पारिबो से विषय रे अध्ययन करिबा ब्रूत धातु सहित जेतेबेले इष्णु प्रत्यय युक्त होइछि
तेबे सृष्टि होइछि बर्धिष्णु। ठीक से ही परे स धातु सहित जेते बेले इष्णु प्रत्यय युक्त होइछि सेते बेले जो शब्दटी गठन करा जाइछि से शब्दटी होइछि सहिष्णु। एठारे बर्धिष्णु सहिष्णु शब्द गुड़ी करे धातु सहित इष्णु प्रत्यय युक्त होइछि। ब्रुत जोग इष्णु बर्धिष्णु सही परे स जोग इष्णु सहिष्णु। वर्तमान आम इन प्रत्यय विषय आलोचना करिबा। जिते बेले धातु सहित इन प्रत्यय युक्त होई थाए सही समय रे हर्षई स्थान रे दीर्घई होई थाए। जिते बेले धातु सहित आम इन प्रत्यय जोग करी थाऊ सही समय रे कोन होई थाए हर्षई स्थान रे दीर्घई होई थाए। एठारे लक्ष्य कर भू गोटे संस्कृत धातु भू धातु सहित इन प्रत्यय युक्त होईछि तो सृष्टि होईछि भाभी भू जोग इन भाभी। ठीक से परे सा जोग इन साई। अधिकारी शब्द को लक्ष्य करो यह किपर भाव में सृष्टि होइछि अधि जोग क्रु जोग इन अधिकारी। ठीक से परे सत्यवत जोग इन सत्यवादी भू जोग इन भाभी सा जोग इन साई अधिक्रु जोग इन अधिकारी सत्यवत जोग इन सत्यवादी। वर्तमान आमे त प्रत्यय विषय आलोचना करिबा। विभिन्न धातु सहित त प्रत्यय युक्त होइकि क्यों सब शब्द गठन करा जाइछि एठारे लक्ष्य कर क्रु धातु सहित जेते बेले त प्रत्यय युक्त होइछि तेबेले सृष्टि होइछि कृत क्रु जगत कृत। ठीक सही परे जीव जगत जीवित हन जगत हत। शांत शब्द को लक्ष्य कर एठारे सम धातु सहित त प्रत्यय युक्त होइछि सम जगत शांत। ठीक सही परे शीत जगत सिक्त पद जगत पक्व। एठारे त प्रत्यय युक्त अनेक गुड़े शब्द गठन करा जाइछि कृत जीवित हत शांत। ए सब शब्द गुड़ी करे धातु सहित त प्रत्यय युक्त होइछि। वर्तमान आमे धातु सहित ती प्रत्यय युक्त करा जाए क्यों सब शब्द गठन करा जाइछि सेगुड़ी को विषय रे ज्ञान अर्जन करिबा। एठारे देख बुध गोटे धातु बुध धातु सहित जेतेबेले ती प्रत्यय युक्त होइछि सेतेबेले बुद्धि शब्दटी गठित होइछि बुध जगति बुद्धि। ठीक से परे ता जगति स्थिति। दृष्टि शब्द को लक्ष्य कर दृश गोटे धातु दृश धातु सहित एठारे ती प्रत्यय युक्त होइछि दृश जगति दृष्टि। ठीक से ही परे क्रु जगति कृति मुज जगति मुक्ति सास जगति शास्ति सम जगति शांति मन जगति मति। तो एठारे धातु सहित ती प्रत्यय युक्त करा जाए विभिन्न शब्द गठन करा जाइछि जेपरि बुद्धि स्थिति दृष्टि शांति मति इत्यादि। वर्तमान आमे जानिबा जे धातु सहित तव्य प्रत्यय युक्त होइकि केउ सब शब्द गठन करा जाइछि। एठारे क्रु गोटे धातु तव्य गोटे प्रत्यय क्रु धातु सहित जेतेबेले तव्य प्रत्यय युक्त होइछि सेतेबेले सृष्टि होइछि कर्तव्य शब्द क्रु जगतव्य कर्तव्य दृश जगतव्य द्रष्टव्य दा जगतव्य दातव्य। ज्ञा धातु सहित जेतेबेले तव्य युक्त होइछि सृष्टि होइछि ज्ञातव्य ज्ञा जगतव्य ज्ञातव्य। सेहिपरि आमे अनेक गुड़िया शब्द गठन करि परिबा जेपरि कि मन्तव्य गन्तव्य वक्तव्य श्रोतव्य भोक्तव्य लब्धव्य। एठारे मन्तव्य शब्दटी किपरि गठन करा जाइछि मन धातु सहित जेतेबेले तव्य प्रत्यय युक्त होइछि सेतेबेले सृष्टि होइछि मन्तव्य। ठीक से पूरे गम धातु सहित जेतेबेले तव्य युक्त होइछि सेतेबेले सृष्टि होइछि गन्तव्य वक्तव्य बद जगतव्य वक्तव्य श्रु जगतव्य श्रोतव्य। एपरि भावरे आमे तव्य प्रत्यय युक्त करिकि अनेक गुड़िए शब्द गठन करि परिबा। वर्तमान जानिबा आमे अन्य प्रत्यय विषय रे। एठारे श्रु गोटिए धातु
श्रु धातु सहित जेतेबेले अन्य प्रत्यय युक्त होइछि तेबे सृष्टि होइछि स्मरणय। श्रु जोग अन्य स्मरणय। ठीक से परि क्रु जोग अन्य करणय। पट जोग अन्य पठनय। पूज जोग अन्य पूजनय। ठीक से ही परि भाबरे आमे धातु सहित अन्य प्रत्यय युक्त करी अन्य शब्द गुड़िक गठन करै परिबा जेपरि कि श्रवणय ग्रहणय बंदनय पाड़नीय दर्शनीय पानीय। श्रु जोग अन्य श्रवणीय। ग्रह जोग अन्य ग्रहणीय। बन जोग अन्य बंदनीय। पाल जोग अन्य पालनीय। दृश जोग अन्य दर्शनीय। दृश धातु सहित जितेबेले अन्य प्रत्यय युक्त हेबो सेतेबेले दर्शनीय शब्दति गठन करा जीवो। पा जोग अन्य पानीय। एपरि भाबरे धातु सहित अन्य प्रत्यय युक्त करिकि आमे अनेक गुड़िए शब्द गठन करी परिबा। वर्तमान आमे जानिबा इत्र प्रत्यय एवं ज प्रत्यय विषय रे। धातु सहित इत्र प्रत्यय युक्त होई कि एवं ज प्रत्यय युक्त होई कि केउ सब नूतन शब्द गुड़िक गठन करा जाय छी। चरित्र शब्द टी को लक्ष्य करो। एठारे चरित्र शब्द रे चर धातु सहित इत्र प्रत्यय युक्त होई छी। चर जोग इत्र चरित्र। तू जोग इत्र पवित्र। ब जोग इत्र बहित्र। खन जोग इत्र खनित्र। एठारे धातु सहित इत्र प्रत्यय युक्त होइकि चरित्र शब्द पवित्र शब्द बहित्र शब्द खनित्र शब्द गठन करा जायछि। वर्तमान जानिबा धातु सहित ज प्रत्यय युक्त होइकि केउ सब नूतन शब्द गठन करा जायछि। एठारे लक्ष्य कर पाठ्य। पाठ्य शब्द टी किपरि गठित होइछि। एठारे पट धातु सहित ज प्रत्यय युक्त होइछि। पट जोग ज पाठ्य। ठीक सेहिपरि गम जोग ज गम्य। दृश जोग ज दृश्य। पद जोग ज पद्य। कार्य शब्द को लक्ष्य कर। एठारे क्रु प्रत्यय सहित क्रु धातु सहित ज प्रत्यय युक्त होइछि। क्रु जोग ज कार्य। ठीक सेहिपरि सास धातु सहित जेतेबेले ज प्रत्यय युक्त होइछि सेबेले सृष्टि होइछि शिष्य। सास जोग ज शिष्य। गद जोग ज गद्य। ठीक सेहिपरि वाक्य बा वाच्य शब्द टी किपरि गठन करा जायछि। एठारे बज धातु सहित ज प्रत्यय युक्त होइछि। बज जोग ज वाच्य बा वाक्य। एठारे आर्य शब्द को लक्ष्य कर। आर्य शब्द टी किपरि गठन करा जायछि। एठारे रु धातु सहित ज प्रत्यय युक्त होइछि। रु जोग ज आर्य। ठीक सेहिपरि दा जोग ज देय। विद्या शब्द को लक्ष्य कर। बीत जोग ज जोग आ विद्या। बीत जोग ज जोग आ विद्या। ठीक सेहिपरि सी जोग ज जोग आ सज्ज्या। वर्तमान आमे धातु सहित त्रय प्रत्यय युक्त होइकि केउ सब शब्द गठन करा जायछि सेगुडीक विषय रे जानिबा। बस धातु सहित जेतेबेले त्रय प्रत्यय युक्त होइछि तेबे सृष्टि होइछि वस्त्र शब्द। बस जोगत्र वस्त्र। ठीक सेहिपरि अस जोगत्र अस्त्र। नी जोगत्र नेत्र। खी जोगत्र क्षेत्र। स्तु जोगत्र स्तोत्र। पत जोगत्र पत्र। एठारे धातु सहित त प्रत्यय युक्त करा जाय अनेक गुडी शब्द गठन कराई छी जेपरि वस्त्र अस्त्र नेत्र क्षेत्र स्तोत्र पत्र इत्यादि शब्द। वर्तमान आमे जानिबा त्रु प्रत्यय विषय रे। धातु सहित त्रु प्रत्यय जोग करा जाय केउ सब शब्द गठन कराई छी सेगुडीक विषय रे अध्ययन करिबा। त्रु धातु सहित जेतेबेले त्रु प्रत्यय युक्त होइछि तेबे सृष्टि होइछि कर्तृ बा कर्ता। क्रु जोगतृ कर्तृ बा कर्ता। ठीक सेहिपरि पा जोगतृ पितृ बा पिता। मा जोगतृ मातृ। मातृ शब्दटि किपरि गठन करा जायछि मा धातु सहित त्रु प्रत्यय युक्त होइछि। मा जोगतृ मातृ। पा जोगतृ पितृ। नी जोगतृ नेतृ। नी धातु सहित त्रु प्रत्यय युक्त होइकि नेतृ शब्दटि सृष्टि होइछि। एठारे लक्ष्य कर श्रोतृ शब्दटि किभलि भावरे सृष्टि होइछि। श्रोतृ शब्द गठन करिबा पई एठारे श्रु धातु सहित त्रु प्रत्यय युक्त होइछि। श्रु जोगतृ
श्रोतृ बा श्रोता ठीक से हीपरी बीजी जगतृ विजेता बिक्री जगतृ विक्रेता नी जमतृ नियंता बी धातृ विधाता प्रवचतृ प्रवक्ता एठारे धातु सहित तृ प्रत्यय युक्त करा जाय विभिन्न शब्द गठन करा जाय छि। वर्तमान आमे जानिबा र प्रत्यय विषय रे धातु सहित र प्रत्यय युक्त होय कि केउ सब शब्द गठन करा जाय पारिबो। नम धातु सहित र प्रत्यय युक्त होय छि सृष्टि होय छि नम्र नम जोग र नम्र कम जोग र कम्र ठीक सही परे रुद्र हिंस्र क्षुद्र छिद्र शब्दटी गठन करा जाय छि रुत जोग र रुद्र रुद धातु सहित एठारे र प्रत्यय युक्त होय छि हिंस्र हिनस जोग र हिंस्र हिनस जोग र हेजबा हिंस्र ठीक से परे क्षुद्र जोग र क्षुद्र छिद जोग र छिद्र। वर्तमान जानिबा जे धातु सहित न प्रत्यय युक्त होय कि केउ सब शब्द गठन करा जाय पारिबो। प्रश्न शब्द को लक्ष्य कर प्रश्न शब्द टी किपरि तयारी होय छि एठारे प्रच धातु सहित न प्रत्यय युक्त होय छि प्रच जोग न प्रश्न प्रच जोग न प्रश्न ठीक से हीपरि जत जोग न जत्न जत धातु सहित न प्रत्यय युक्त होय कि सृष्टि होय छि यज्ञ जज जोग न यज्ञ ठीक से हीपरि तृष्णा शब्द को लक्ष्य कर तृष जोग न जोग आ हेजबो तृष्णा तृष जोग न जोग आ तृष्णा। वर्तमान आमे उर प्रत्यय विषय अध्ययन करिबा धातु सहित उर प्रत्यय युक्त होई कि केउ सब शब्द गठन करा जाय पारिबो। भनज धातु सहित जेतेबेले उर प्रत्यय युक्त होई छि तेबे सृष्टि होई छि भंगुर भनज जोग उर भंगुर ठीक सही परे बीत जोग उर विदुर मीत जोग उर मिदुर भास जोग उर भासुर एठारे धातु सहित उर प्रत्यय युक्त होई कि अनेक गुड़िया शब्द गठन करा जाय छि जेपरि भंगुर विदुर मिदुर भासुर। वर्तमान आ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रत्यय विषय रे एठी आमे अध्ययन करिबा सेई प्रत्ययटी होउछि सन प्रत्यय से प्रत्ययर ना कौन सन प्रत्यय एबे प्रथमे देखिबा सन प्रत्यय केउं ठारे व्यवहार करा जाय थाय एवं केउं अर्थरे व्यवहार करा जाय थाय। इच्छा करिवार अर्थरे धातुरे सन प्रत्यय होय थाय निजर इच्छा को प्रकाश करिवा पई धातुरे सन प्रत्यय युक्त होई कि अनेक गुडिया शब्द गठन करा जाय छि। एही सन प्रत्यय द्वारा निष्पन्न पद को सनंत पद कहा जाय एही धातु सहित जेतेबेले सन प्रत्यय युक्त होय कि जे पदटी गठन करा जाय थाए ताकू कहा जाय सनंत पद। एठारे प्रथम लक्ष्य कर इच्छा प्रकाश करिबा अर्थरे आमे धातुरे सन प्रत्यय युक्त करिथाउ ए सन प्रत्यय द्वारा निष्पन्न पद को कहा जाय सनंत पद। ए सन प्रत्यय परे आ बा उ प्रत्यय जेतेबेले युक्त करा जाय थाए सेतेबेले विशिष्ट पद गठित होय थाए। ए सन प्रत्यय परे यदि आ किंबा उ प्रत्यय युक्त करा जाय तेबे विशिष्ट पद गठन करा जाय थाए। एठारे लक्ष्य कर पीबार इच्छा पीबार इच्छा पिपासा पीबार इच्छा को कोन कहा जाय पिपासा कहा जाय पिपासा शब्द टी किपरि गठन करा जाय छि पा सन जोग आ पा सन आ पिपासा पिपासार अर्थ कौन पीबार इच्छा ठीक से हीपरि जानिबार इच्छा को कहा जाय जिज्ञासा जिज्ञासा किपरि सृष्टि होय छि ज्ञा एवं सन धातु सहित आ प्रत्यय युक्त होय छि ज्ञा सन आ जिज्ञासा जहाँ को कि जानिबार इच्छा बोली कहा जाय जय करिबार इच्छा को कहा जाय जिगीसा जिगीसा शब्द टी केवरि सृष्टि होय छि जी एवं सन धातु सहित एठारे आ प्रत्यय युक्त होय छि जी सन आ जिगीसा जिगीसार अर्थ होय छि जय करिबार इच्छा एठारे सन प्रत्यय व्यवहार करा जाय छि निजर इच्छा प्रकाश करिबा अर्थरे पीबार इच्छा पिपासा जानिबार इच्छा जिज्ञासा जय करिबार इच्छा जिगीसा ठीक से परि हत्या करिबार इच्छा को कहा जाय जिंघासा हन सहयोग आ जिंघासा लाभ करिबार इच्छा लिप्सा लप सन आ
लिप्सा, देखिबार इच्छा दिद्रुख्या, देखिबार इच्छा को कहा जाए दिद्रुख्या। दिद्रुख्या शब्द टी किपर गठन कराई दृश धातु सहित सन एवं आ प्रत्यय युक्त होई दृश सन आ दिद्रुख्या। करिबार इच्छा को कहा जाए चिकित्सा, क्रु धातु सहित एठारे सन एवं आ प्रत्यय युक्त होई क्रु सन जोग आ चिकित्सा। दान करिबार इच्छा दित्सा, दान करिबार इच्छा को कहा जाए दित्सा। दा धातु सहित सन एवं आ प्रत्यय युक्त होई दा सन जोग आ दित्सा। एठारे लक्ष्य कर पीबार इच्छा को कहा जाए पिपासा, जानिबार इच्छा जिज्ञासा, जय करिबार इच्छा जिगीसा, हत्या करिबार इच्छा जिंघासा, लाभ करिबार इच्छा को कहा जाए लिप्सा, देखिबार इच्छा को कहा जाए दिद्रुख्या, करिबार इच्छा चिकित्सा, दान करिबार इच्छा दित्सा। हेले सुनिबार इच्छा, सुनिबार इच्छा को कहा जाए सुश्रुषा। सुनिबार इच्छा सुश्रुषा, श्रु सन आ सुश्रुषा। सुनिबार इच्छा सुश्रुषा, मुक्ति करिबार इच्छा मुमुक्षा, मुच जोग सन जोग आ मुमुक्षा। मुच धातु सहित सन एवं आ प्रत्यय युक्त होइकी मुमुक्षा सृष्टि होइछि। मुक्ति करिबार इच्छा मुमुक्षा, मरिबार इच्छा मुमूर्षा, मृ सन जोग आ मुमूर्षा। पीबार इच्छुक पिपासु, पीबार इच्छुक को कहा जाए पिपासु, जानिबार इच्छुक जिज्ञासु, लाभ करिबार इच्छुक लिप्सु। एठारे पिपासु किपरि गठन करा जाइछि पा धातु सहित सन एवं उ प्रत्यय युक्त होइछि। पा सन जोग उ पिपासु, ज्ञा सन उ जिज्ञासु, लप सन उ लिप्सु। एठारे तुम्हें लक्ष्य कर सन प्रत्यय व्यवहार करा जाइछि हमर इच्छा प्रकाश करिबा उद्देश्य रे। सुनिबार इच्छा को कहा जाए सुश्रुषा, मुक्ति करिबार इच्छा मुमुक्षा, मरिबार इच्छा मुमूर्षा, पीबार को इच्छुक पिपासु, जानिबा को इच्छुक जिज्ञासु, लाभ करिबार इच्छुक लिप्सु। ये तो आम अध्ययन कला संस्कृत धातु सहित विभिन्न प्रत्यय युक्त करा जाए क्यों सब शब्द गठन करा जाए पारिब। ए सब शब्द गुडी को तत्सम शब्द बोली मध्य कहा जाए थाए। वर्तमान जानिबा जे ओडिया धातु सहित कृत प्रत्यय युक्त होइकी क्यों सब शब्द गठन करा जाइछि। ओडिया कृत प्रत्यय एवं ए कृत प्रत्यय द्वारा निष्पन्न तद्भव एवं देशज शब्द विषय आमे अध्ययन करिबा। एठारे प्रथमे जानिबा अप्रत्यय विषय। एठारे काट, काट होउछि गोटिए ओडिया धातु, काट होउछि गोटिए ओडिया धातु। ए धातु सहित अप्रत्यय युक्त होइकी सृष्टि होइछि काट, काट जोग अ काट, कान जोग अ कांद, मोड जोग अ मोड, डाक जोग अ डाक, मार जोग अ मार। एठारे काट, कान, मोड, डाक, मार हेउछि संस्कृत तो धातु रु रूपांतरित तो होइकि ओडिया धातु रे एहा व्यवहार करा जाइछि। काट, कान, मोड, डाक एवं मार हेउछन्ति ओडिया धातु। ए धातु सहित अप्रत्यय युक्त होइकि विभिन्न शब्द गठन करा जाइछि। वर्तमान देखिबा अण प्रत्यय, झूल जोग अण झूलण, फुट जोग अण फुटण, गड़ जोग अण गढ़ण। एठारे झूल फुट गड़ हेउछि ओडिया धातु। ए धातु सहित अण प्रत्यय युक्त होइकि झूलण फुटण एवं गढ़ण ए सब शब्द गठन करा जाइछि। वर्तमान देखिबा अणा प्रत्यय, कान जोग अणा कांदणा, रान जोग अणा रांधणा, पीट जोग अणा पिटणा, बीन जोग अणा बिंचणा। बीन धातु सहित अणा प्रत्यय युक्त होकि बिंचणा शब्दटी गठन करा जाइछि। अणि प्रत्यय, खट धातु सहित एठारे अणि प्रत्यय युक्त होकि सृष्टि होइछि खटणी, खट जोग अणि खटणी, चल जोग अणि चलणी, लोट जोग अणि लोटणी, र जोग अणि रहणी। वर्तमान अंता प्रत्यय, फेरंता शब्द टी किपरि गठन करा जाइछि फेर धातु सहित अंता प्रत्यय युक्त होइछि। फेर जोग अंता फेरंता, चल जोग अंता
चलंता जी जोग अंता जियंता फुट जोग अंता फुटंता उड़ जोग अंता उड़ंता जल जोग अंता जलंता। तापर देखिबा अंति प्रत्यय चल जोग अंति चलंती फल जोग अंति फलंती खट जोग अंति खटंती क जोग अंति कहंती। आ प्रत्यय गुण जोग आ गुणा चिन्ह जोग आ चिन्हा गढ़ जोग आ गढ़ा छाण जोग आ छणा छाण धातु सहित आ प्रत्यय युक्त होकर सृष्टि होइ छणा छाण जोग आ छणा रान जोग आ रंधा खेल जोग आ खेला। वर्तमान देखिबा धातु सहित आण प्रत्यय युक्त होकर क्यों सब शब्द गठन करा जाय छी फेर जोग आण फेड़ाण मिस जोग आण मिसाण उठ जोग आण उठाण भास जोग आण भसाण। आणी प्रत्यय भास जोग आणी भसाणी ठीक से परी बीन जोग आणी बिंधाणी उठ जोग आणी उठाणी गड़ जोग आणी गणाणी चाह जोग आणी चाहाणी सुन जोग आणी सुनाणी। आउ प्रत्यय घेर जोग आयु घेराउ चढ़ जोग आउ चढ़ाउ बर्तमान जानवा आली प्रत्यय विषय रान जोग आली रंधाली रंधाली शब्द टी किपरि गठन कराई रान धातु सहित आली प्रत्यय युक्त होई ठीक से काट जोग आली कटाली बुड़ जोग आली बुड़ाली बान जोग आली बंधाली खेल जोग आली खेलाड़ी बीक जोग आली बिकाली। ई प्रत्यय चाल जोग ई चाली मेल जोग ई मेली बोल जोग ई बोली दोल जोग ई दोली। उआ प्रत्यय ओडिया धातु सहित उआ प्रत्यय युक्त होकर क्यों सब शब्द गठन कराई से गुड़िक विषय आम अध्ययन करवा। पढ़ धातु सहित उआ प्रत्यय युक्त होकर सृष्टि होती पढ़ुआ शब्द पढ़ जोग उआ पढ़ुआ लड़ जोग उआ लढ़ुआ लाज जोग उआ लाजुआ डर जोग उआ डरुआ। वर्तमान जानवा उआड़ प्रत्यय विषय खेल जोग उआड़ खेलुआड़ जग जोग उआड़ जगुआड़ रग जोग उआड़ रखुआड़। वर्तमान आम उआड़ी प्रत्यय विषय अध्ययन करवा भाग जोग उआड़ी भागुआड़ी जग जोग उआड़ी जगुआड़ी। उणी प्रत्यय माप जोग उणी मापुणी ठीक से पूरी रान जोग उणी रांधुणी ढांग जोग उणी ढांकुणी माग जोग उणी मागुणी। वर्तमान जानवा उणा प्रत्यय धातु सहित उणा प्रत्यय जोग करा जाए क्यों सब शब्द गठन करा जाए पारिबो पा जोग उणा पाउणा ठीक से पूरी गा जोग उणा गाउणा। एणी प्रत्यय भाल जोग एली भालेणी बाज जोग एणी बाजेणी जाल जोग एणी जालेणी काट जोग एणी काटेणी। तो प्रिय छात्र छात्री गण आज कृदंत प्रसंग टी को तुम्हें केते दूर हृदयंगम करिपारिछ ताहा जानिबा पई मु तुम मानकु स्मार्ट बोर्ड रे केते गुडिये प्रश्न एठारे उपस्थापन करिछि ए प्रश्न गुडिकर उत्तर तुम्हें प्रदान कर। एठारे उपयुक्त धातु बा प्रत्यय जोग करी शून्य स्थान पूरण कर। माँ सहित क्यों प्रत्यय युक्त कले मातृ हेबो माँ जोग डैश मातृ त्रु त्रु वेरी गुड वेरी गुड। माँ धातु सहित जेतेबेले त्रु प्रत्यय युक्त होइथाय सेतेबेले मातृ शब्द होइथाय तेपरि धर जोग डैश धराळी धर जोग डैश धराळी कह यार उत्तर धर जोग डैश धराळी धर धातु सहित क्यों प्रत्यय युक्त हेले धराळी सृष्टि हेबो धर जोग डैश धराळी आळी आळी प्रत्यय वेरी गुड। धर धातु सहित जेतेबेले आळी प्रत्यय युक्त हेबो सेतेबेले धराळी शब्द टी सृष्टि हेबो। डैश जोग उआ लढ़ुआ डैश जोग उआ लढ़ुआ लड़ लड़
जग उआ लड़ुआ वेरी गुड लड़ा लड़ा देश जगत्र नेत्र नेत्र शब्द टी किपरि गठन करा जीवो देश जगत्र नेत्र ने यो धातु सहित वेरी गुड बहुत भलो नी जगत त्र नेत्र नी धातु सहित जते बेले त्र प्रत्यय युक्त होय थाय तते बेले सृष्टि होय थाय नेत्र दृश्य जग देश दर्शन अन्य दृश्य जग आमेन देश दर्शन दृश्य जग अन प्रत्यय दृश्य जग अन दर्शन ठीक से परे उड़नता शब्द को लक्ष्य करो उड़ जग डैश उड़नता अंता अंता वेरी गुड उड़ जग अंता है जीवो उड़नता डैश जग आली कोटाली डैश जग आली कोटाली कट 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 काट जग आली कोटाली डैश जग डोर जग डैश डरुआ उआ उआ प्रत्यय डर जग उआ डरुआ डर जग उआ डरुआ एठारे क स्तंभ रे केते गुडे शब्द उल्लेख रहिछि एवं ख स्तंभ रे केते गुडे शब्द उल्लेख होइछि क स्तंभ सहित संपृक्त शब्द गुडी को ख स्तंभ सहित मिलन करो पीबार इच्छा पिपासा हब वेरी गुड पीबार इच्छा को कहा जाए पिपासा जानिबार इच्छा जानिबार इच्छा को जिज्ञासा वेरी गुड जानिबार इच्छा जिज्ञासा जय करिबार इच्छा को कोन कहा जाए जय करिबार इच्छा जिगिसा वेरी गुड जय करिबार इच्छा जिगिसा मुक्ति करिबार इच्छा मुक्ति करिबार इच्छा कौन मुमूर्षा मुक्ति करिबार एटा अछि गुटे अछि मुमूर्षा अछि गुटे अछि मुमुख्या अछि कोटा हबो मुमूर्षा हबो कि मुमुख्या हबो मुमुख्या वेरी गुड मुमुख्या मुक्ति करिबार इच्छा मुमुख्या मरिबार इच्छा मरिबार इच्छा को कोन कहा जाय मुमूर्षा वेरी गुड मरिबार इच्छा मुमूर्षा ठीक से पूरी देखिबार इच्छा दिद्रुक्षा वेरी गुड देखिबार इच्छा को कहा जाय दिद्रुक्षा तो आज प्रसंग उपर आधारित गोटे गृह कार्य तुम मानक प्रदान करुच्ची गृह कार्य टी होची कृदंत कहा को कहा जाए उदाहरण सह बुझाई लेख कृदंतर अर्थ कौन कृदंत कहा को कहा जाए ताकि तुम उदाहरण सहित बुझाई लेख आशा करुच्ची आज शिक्षादान कार्यक्रम टी सफल होदि ये प्रसंग उपर तुम किसी डाउट बा संशय रही है तुम तुमर संपृक्त विषय शिक्षकों सहित जोगाजोग करी तुमर डाउट क्लियर करिबो तो आज दिन टी तुम मानी मंगलमय हो शुभमय हो समस्त उज्जवल भविष्य कामना करी आज शिक्षादान कार्यक्रम को मुझे समाप्त करुच्ची धन्यवाद।